स्टार प्लस के रीसेंट लॉन्च शो एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न में जल्द ही आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ, जैसा कि आपने शो के पहले ही एपिसोड में देखा था कि पीके मित्तल के जॉन के पीछे पड़ा है कोई शख्स। पीके मित्तल को वो उसके सिर की एक मुंडी भेजता है, लेकिन पीके मित्तल कहाँ किसी से डरते हैं। वो भी अब ढूंढना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन सा इंसान है जिसने इनके साथ ये हरकत की है। वेल, पीके मित्तल स्केच वाले को बुलाते हैं और दुकानदार को बुलाते हैं जिसकी मदद से वो स्केच बन जाता है। लेकिन वो स्केच में जानवी का चेहरा देख के पीके मित्तल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन जानवी यहाँ पर अपना अगला दाव खेलती है, जहाँ वो बातों को घुमाकर सारा ब्लेम काव्या पर डाल देती है। वेल, जानवी कुछ कहे और पीके मित्तल उसे ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी तो वो आसानी से जानवी की बातों पर विश्वास करते हैं और एक बार फिर काव्या को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। वेल, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या काव्या पीके मित्तल द्वारा ये इंतजाम सह पाएगी। वही कबीर है जो हमेशा काव्या का साथ देता है, लेकिन इस बार कबीर किसे चुनेगा, काव्या को या फिर उसकी भाभी को, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।